यहाँ पर हम देखते हैं 1 मई 1939, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने एक समाजवादी संस्था की स्थापना करते हैं, समाजवादी संस्था की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस और समाजवादी संस्था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना ये करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद में पाकिस्तान की मांग भारत में होती है, यानी कि 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इसके बारे में बताया था कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग होने चाहिए, तो पाकिस्तान की मांग यहाँ पर उठती है। 1930 में सबसे पहले बताया था मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल। तो ये दो देशों की परिकल्पना है, मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले 1930 में दी थी, ताकि एक भारत हो और एक पाकिस्तान हो। इसके बाद में मुसलमानों के लिए यहाँ पर अलग से राष्ट्र की मांग की जाती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, ये अलग से मुसलमानों के लिए अलग से देश की मांग करते हैं, चौधरी रहमत अली। और ये चौधरी रहमत अली थे, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो यहाँ पर नाउ आर नेवर नामक पत्रिका के माध्यम से 1933 में ये मांग करते हैं पाकिस्तान की, पत्रिका का नाम था नाउ आर नेवर, नाउ और नेवर, या तो अभी या कभी नहीं। इस पत्रिका के माध्यम से ये 1933 में पाकिस्तान देश की मांग करते हैं, और पहली बार अलग राष्ट्र जो पाकिस्तान की मांग है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये करते हैं पहली बार, मोहम्मद अली जिन्ना। ये फर्स्ट बार अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन, वहाँ पर 1940 में ये पहली बार पाकिस्तान की मांग रखते हैं, यानी अलग से पाकिस्तान देश होना चाहिए, ये बात हम बताते हैं लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर, क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन है, ये आता है 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, तो चर्चिल के नेतृत्व, चर्चिल जब प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटिश के, तो उस टाइम पर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत पर आता है, स्टीफर्ड क्रिप्स के मिशन में, यानी क्रिप्स ये व्यक्ति थे स्टीफर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में एक मिशन भारत आता है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन, और ये सन 1942 में आता है। और इनके जो प्रस्ताव थे क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, इनको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, जो भी इन्होंने प्रस्ताव दिए थे पोस्ट डेटेड चेक, ये गांधी जी ने इनके प्रस्तावों को यहाँ पर कहा है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बैंक दिवालिया होने वाला है ये बताया है, बैंक दिवालिया होने वाला है, ऐसे बैंक का चेक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी प्रस्ताव को बताया है।
जवाहरलाल नेहरू। और फिर इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है 11 अप्रैल 1942 को, ये प्रस्ताव है वापस ले लिया जाता है। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर होता है। और इस आंदोलन का प्रस्ताव है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने तैयार किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसका प्रस्ताव रखते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इस आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। और घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1942 को, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान था, वहां पर ये घोषणा की गई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है और इसका मुख्य नारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो इसका मुख्य नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन का। और गांधी जी ने यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो। तो ये करो या मरो का नारा है गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई अधिवेशन में दिया था 8 अगस्त 1942 को, ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं आजाद हिंद फौज की गठन होता है, सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है, आजाद हिंद फौज, इसका गठन होता है 1942, सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है। और कैप्टन मोहन ने जापान में इसका गठन किया था आजाद हिंद फौज का, कैप्टन मोहन जापान में इस फौज का गठन करते हैं आजाद हिंद फौज का गठन। जबकि सुभाष चंद्र बोस है अक्टूबर 1943 को, यहाँ पर सिंगापुर में इस फौज का गठन करते हैं, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, बोस सिंगापुर में इस फौज का गठन करते हैं। और इससे पहले कैप्टन मोहन जापान में आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर नारा लगाते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो यानी कि तुम सेना में भर्ती हो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा ये नारा लगाते हैं दिल्ली चलो का नारा यहाँ पर लगाते हैं ताकि अंग्रेजों को भगाया जा सके। और यहाँ पर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद जो फौज थी इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनाने के बाद में 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है जब ये फार्मोसा द्वीप से टोक्यो जा रहे थे एरोप्लेन के द्वारा, फार्मोसा द्वीप से जब ये टोक्यो की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में इनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बेबेल योजना आती है 1945 में, बेबेल योजना जो ये बेवेल योजना थी, इस योजना में
1945 में आती है, और इस योजना के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, इनके नेतृत्व में 14 जून 1945 को शिमला के अंदर कार्यकारी परिषद का सम्मेलन यहाँ पर होता है, कार्यकारी परिषद का सम्मेलन यहाँ पर होता है। इसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है यहाँ पर। और कैबिनेट मिशन योजना के अंदर क्या होता है, तो ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है, भारत आया था, सर लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था, ये सर लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। और इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे सर क्रिप्स, सर लॉरेंस के अलावा इसके सदस्य थे सर क्रिप्स, इसके सदस्य थे ए वी अलेक्जेंडर, इसके सदस्य थे ए वी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, और तीसरे इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। तो इस कैबिनेट मिशन की ने यहाँ पर घोषणा की कि भारत का संविधान और संविधान सभा के माध्यम से यहाँ पर बनाया जाएगा। इस कैबिनेट मिशन में यहाँ पर घोषणा की जाती है कि भारत का जो संविधान है वो भारत की संविधान सभा ही बनाएगी। और इसके बाद में 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का यहाँ पर गठन होता है। उसके बाद में माउंट बेटन योजना आती है 24 मार्च 1947 को, ये माउंट बेटन है अंतिम गवर्नर जनरल बनकर आए थे भारत के, और 24वें गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन योजना। ये जो योजना है, जब भारत के 34वें गवर्नर जनरल थे और 24 मार्च 1947 को क्रिप्स मिशन के बाद में, जस्ट एक साल बाद में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के एक साल बाद में माउंट बेटन योजना आती है 24 मार्च 1947 को आती है। 34वें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन, अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, ये आते हैं। और यहाँ पर 3 जून 1947 को ये भारत विभाजन की घोषणा करते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। और 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, कि 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। और इस योजना को डिकी वर्ड योजना भी कहा जाता है, डिकी वर्ड योजना के नाम से भी इस योजना को हम जानते हैं। उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ब्रिटिश संसद ने यहाँ पर 18 जुलाई 1947 को क्या किया, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पर पारित किया था।
और इसमें भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की रात्रि को भारत और पाकिस्तान के लिए यानी 14 अगस्त को यहाँ पर घोषणा की जाती है कि भारत और पाकिस्तान अलग होंगे। पाकिस्तान की आजादी के लिए 14 अगस्त निर्धारित किया जाता है और भारत की आजादी के लिए यहाँ पर 15 अगस्त निर्धारित किया जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत यहाँ पर आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ पर 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दे दी जाती है। तो इस तरीके से दो स्वतंत्र देश यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। और ये तो राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के, और प्रधानमंत्री जो बनते हैं पाकिस्तान के उस टाइम पर वो बनते हैं लियाकत अली, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे राजगोपालचारी, पहले वे अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के वो थे राजगोपालचारी। उसके बाद में गवर्नर जनरल यहाँ पर भारत में नहीं बनाया गया है, राजगोपालाचारी। फिर देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में दादाभाई नौरोजी हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उसमें दादाभाई नौरोजी ने भाग लिया है, दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई जो नौरोजी थे इनके राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े इनके राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने दादाभाई जो नौरोजी हैं इन्होंने सबसे पहले धन विकास का सिद्धांत दिया है, धन विकास का सिद्धांत। और इन्हीं ने धन निष्कासन सिद्धांत की पुस्तक इनकी लिखी है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है धन निष्कासन सिद्धांत, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इन्होंने कहा है कि पूर्ण स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमको उसे प्राप्त करना चाहिए, हमें ये कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। और इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। भारत का ग्लेडस्टोन के नाम से भी इसको जानते हैं, भारत का ग्लेडस्टोन। उसके बाद में आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी हैं, बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन। और वैज्ञानिक आंदोलनों के जन्मदाता इनको माना जाता है, भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत इनको माना जाता है, राष्ट्रीयता का अग्रदूत सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाता है। इनकी पुस्तक है ए नेशन इन द मेकिंग, दो बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1885 में रहे हैं और 1902 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं।
उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। कांग्रेस की जो बैठकें हुई हैं, पहली बैठक कांग्रेस की 1885 में हुई है। 1885 में कांग्रेस की बैठक हुई है और इसके अध्यक्ष रहे हैं ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे हैं और ये प्रथम अध्यक्ष थे, ब्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में जो इनके अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, जैसे कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, जो कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये अधिवेशन हुआ था बनारस में। और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर बंगाल का विभाजन किया, यानी बंगाल का विभाजन की यहाँ पर घोषणा कर देते हैं कि ये बंगाल का विभाजन होगा, हिंदू और मुसलमान अलग अलग होंगे। और लाला लाजपत राय पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार यहाँ पर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, बंगाल का यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर विभाजन कर देते हैं ताकि राष्ट्रीय चेतना है लोगों के बीच में नहीं जाग सके, क्योंकि जो लाला लाजपत राय है यहाँ पर पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखते हैं, लाला लाजपत राय। लेकिन यहाँ पर सत्याग्रह नहीं अपनाया जाता है, तो उसके बाद में गांधी जी आकर यहाँ पर सत्याग्रह अपनाते हैं 1915 के बाद में आके। फिर 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है, इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, नौराजी। और यहाँ पर क्या होता है, गरमपंथी और नरमपंथी दलों के बीच में मतभेद हो जाता है, और नरमपंथी है यहाँ पर, नरमपंथी जो समुदाय है वो कांग्रेस का रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बना लेते हैं। रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बना लेते हैं और जो गरमपंथी हैं, गरमपंथी यहाँ पर लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाला लाजपत राय को तो नरमपंथी और गरमपंथी यहाँ पर अलग अलग लड़ाइयाँ हो जाती हैं और अंत में यहाँ पर दोदा भाई नौरोजी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद में 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी दो अध्यक्षता करते हैं वो रास बिहारी घोष करते हैं, रास बिहारी घोष, क्योंकि अब गर्मपंथी है यहाँ से अलग हो जाते हैं। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल। नरम दल है वो उदारवादी होता है, उदारवादी होता है, और नरम दल के जो नेता हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाड़े होते हैं। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल होते हैं, और गरम दल उग्रवादी होता है। तो गरम दल यहाँ पर उग्रवादी होता है। उसके बाद में 1910
1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन होता है, और इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। और इस अधिवेशन में एनी बेसेंट वेल बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से दोनों दल एक हो जाते हैं, एक तरफ बाल गंगाधर प्रयास करते हैं यहाँ पर बाल गंगाधर, और एक तरफ यहाँ पर एनी बेसेंट प्रयास करते हैं, और गरम दल और नरम दल यहाँ पर एक हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल। इसी के साथ में यहाँ पर कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीग भी यहाँ पर मिल जाती है, तो इस तरीके से मजबूत कांग्रेस यहाँ पर बन जाती है, और तीनों ने यहाँ पर 107 एक साथ भाग लिया है। उसके बाद में 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और ये कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था इसके अंदर एनी बेसेंट को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है, और इस पद पर चुनी वाली जाने वाली एनी बेसेंट पहली महिला थी। उसके बाद में लाहौर में अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं, लाहौर में अधिवेशन होता है जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, और इस लाहौर के जो अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा जाता है, और रावी नदी के तट पर लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को ये बताया जाता है कि रात्रि को यहाँ पर झंडा फहराया जाता है 31 दिसंबर 1929 को, और यहाँ पर घोषणा की जाती है कि अगले साल 26 जनवरी को हम भारत का पहला आज़ादी दिवस मनाएंगे, और तभी से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद में 1931 में कराची में अधिवेशन होता है, 1931 के अंदर कराची अधिवेशन कांग्रेस का यहाँ पर कराची के अंदर अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, तो यहाँ पर गांधीवाद के बारे में बताया गया कि गांधीवाद नहीं मरेगा, गांधी जी मर सकते हैं, ये बात गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता यहाँ पर होता है, 5 मार्च 1931 को, और गांधी इरविन समझौते के अंदर यहाँ पर भारतीयों को नमक बनाने का कानून यहाँ पर मिल जाता है, जो दांडी यात्रा की थी उसके उपलक्ष में। उसके बाद में 1939 को त्रिपुरी एमपी में अधिवेशन होता है, 1939 को, त्रिपुरी एमपी के अंदर अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके अधिवेशन में दो अध्यक्ष थे, एक तो पटेल सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरे राजेंद्र प्रसाद थे। सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष, और दूसरे व्यक्ति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, तो दो अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर इस अधिवेशन में 1939 के अधिवेशन में। और यहाँ पर इस अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में विवाद हो जाता है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर के 1939 में ही एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये करते हैं। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, जेबी
कृपलानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्होंने 1947 में इस्तीफा दिया है। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहाँ पर जब एओ होम की मृत्यु हुई थी तो कांग्रेस ने क्या किया था, 1912 में उनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस का जनक एओ होम को घोषित किया था, कांग्रेस का जनक यानी कांग्रेस का जन्मदाता। और सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से लेकर के 1945 तक सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल तक। और यहाँ पर 1917 के अंदर एक महिला थी कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली ये पहली महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को यहाँ पर संबोधित किया था, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर 1917 में। और भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन के समय, भारत के जो वायसराय थे, ये लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वो थे ग्लैडस्टोन, जिनको ग्लैडस्टोन की तुलना दादाभाई नौरोजी के साथ में की गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं, ये बात बंकिम चंद्र चटर्जी ने कही है। बंकिम चंद्र चटर्जी इस बात को बताते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं, उन्हें कांग्रेस में पद चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को यहाँ पर याचना करने वाली संस्था बताया था कि बस ये याचना करती है, याचना करने वाली संस्था विपिन चंद्र पाल कांग्रेस को बताते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो भारतीय इतिहास में आती हैं। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे विश्व का भूगोल।